नहीं, पहले आता है ना तो पहले चुप इतना गाड़ी में बैठ जाएगा, चलो थाना ले चल रहे हैं, थाना में ले जाएगा, पूछेगा उछेगा कुछ नहीं, पहले थाना लेके जाएगा, थाना में बंद कर 5,000 फाइन हो गया तुम्हारा, आके दे जाओ 5,000 तक गाड़ी ले जाओ। अब क्या गरीब कमाने वाला गरीब है, 5,000 रुपये मिनटों में कहाँ से लेकर आएंगे? भ्रष्ट कार्यकर्ता हैं जितने भी लोग, आप बोलना चाहते हैं, ये लोग पर लाठी चलाया जाता है, हम मेरे आके हम भी उधर रोज जा रहे हैं, गाड़ी पर लाठी भी चलाया जाता है, यही बात हम अपने आँख से देखे हैं जो कि हम पैसेंजर है। तो नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक परमार, आप देख रहे हैं सतर्क बिहार। अभी हम लोग मौजूद है पटना के गांधी मैदान के पास, यहाँ पर एक टेम्पो स्टैंड है जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ सिर्फ CNG वाली गाड़ियाँ लगी हुई हैं। बीते दिनों में CNG को लेकर के बहुत विवाद उठा है कि इन लोगों का क्या मांग है, यहाँ पर CNG गाड़ियाँ हैं। चलिए जानते हैं इन लोगों का क्या प्रॉब्लम है, क्या कठिनाई इनको हुई है, वो जानने की इन लोगों से ही कोशिश करते हैं, और क्या कठिनाई हुई है ये अपनी। यहाँ पर ऑटो ड्राइवर्स हमारे साथ हैं, चलिए उनमें से कुछ से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम सहदेव राय है। कहाँ, पटना में ही गाड़ी चलाते हैं? पटना का दानापुर से गांधी मैदान। और क्या, कौन सी गाड़ी आपकी, डीजल पेट्रोल या फिर CNG है? तो क्या विवाद उठा है जो आप लोग नाराज हैं? चार लीटर गैस देता है, 400 रुपए लेता है। टंकी कितने लीटर का है? 5.5 के है। 5.5 का, और अट्ठा उनके हिसाब से कितना अट्ठा? उनका हिसाब से 7 लीटर अट देता है। 5.5 लीटर का टंकी आपका, तो 1.5 लीटर एक्स्ट्रा CNG कहाँ अट सकता है? 82 रुपए। पहले कितना भरवा रहे थे कुछ टाइम पहले? हम शुरू में CNG लिए थे गाड़ी तो 72 रुपये का, 72 रुपये से 82-10 रुपये का फर्क आप लोगों को पड़ गया। हाँ, बाकी 82 रुपये दिखा रहा है और पैसा ले रहा है बेसी, पैसा ज़्यादा ले रहा है और तेल भी, मतलब कि ये गैस भी कम दे रहा है। मेरा CNG बजाज है, 4 लीटर का टंकी है, और उसमें 450-500 का खर्चा रहा है। अटना कितना का चाहिए आपके हिसाब से? मेरा जैसे नया लिए थे तो 270 या 250 इतना ही करता था। मतलब अभी उसमें रेट के वजह से हुआ है ये बढ़ोतरी या फिर पंप में? सब होता था तो कोई दिक्कत नहीं था, जो रेट बढ़ा है वो हिसाब से मैं देता तो कोई दिक्कत नहीं था, रेट से बेसी पैसा ले रहा है। और कम CNG आ रहा है कि वजन का CNG आया है? अरे सारा वजन का CNG तो माइलेज तो देना चाहिए, हम लोग का माइलेज दे नहीं रहा, उतना ही माइलेज दे रहा है। ये कुछ और लोग, यहाँ कुछ और ऑटो चालक हैं। CNG का कितना दाम बढ़ गया है? CNG 82 रुपये हो गया है। सुनने में आ रहा था कि आप लोगों का कितना टंकी, कितने लीटर का? इनका 4 लीटर का है। अब सुनने में आ रहा है ज़्यादा आटा दिया जा रहा है। जी सर, हाँ। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों? वो बोलता है रिच गैस है, रिच गैस। हाँ, आप बताइए, आप भी ऑटो चालक हैं? हाँ। 5 रुपये क्या, 5 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है? क्यों लिया जाए, क्या बोला जाता है? मनमानी पे कुछ बोला जाता होगा ना? अपोज नहीं किया मैंने, पहले बात है कि हम ऑटो वाला ही, पहले वो बोला कि प्रेशर से दीजिए गैस, हम आपको 5 रुपये देंगे, वो हमेशा बांध दिया 5 रुपये, और उसके बाद ऐसे भारी गैस बना दिया। सुनने में आता है बहुत लंबा कतार भी लगता है CNG लेने, बहुत लंबा कतार लगता है CNG, इससे परेशानी हो रही है। भाड़ा कितना उठाते हैं, कितना दिन में कमा लेते हैं? सवारी दिन भर में 1500-1200 रुपये कमा लेते हैं। ऑटो का अपना ऑटो है? 500 रुपये नहीं भैया, किराया का होता है। कितना देते हैं किराया? 400 रुपये किराया देते हैं। चला जाता है, आप ही ऑटो चालक हैं, कितना कमाते हैं दिन भर में? 400-500 कमाते हैं। क्या दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत क्या है कि लंबा लाइन लगल है, उसमें जाता है और पैसा 8-10 रुपये एक्स्ट्रा काटता है, एकदम माने की बढ़िया ले रहा है। और महंगा तो हुआ, उसके साथ सुनने में आ रहा है कि CNG का टंकी भी आप लोगों का छोटा है, उसमें ज़्यादा हटाया जा रहा है। 4 लीटर के टंकी दे रहा है कंपनी, 5 लीटर का, 6-7 लीटर ले रहा है पैसा। कैसे ऐसा हो सकता है कि 1 लीटर अगर बोतल, 1 लीटर का बोतल है, उसमें 2-5 लीटर तेल हटाया है? तो कह रहा है कि 100 करेंगे, जितना मीटर लिखेगा उसमें उसी के हिसाब से लेंगे पैसा। हमारे ये कहना है कि 5 लीटर का मान लिया टंकी है तो 7 लीटर कैसे हट जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये है बिहार का सुशासन, सुशासन बाबू देखे, इन जैसे गरीब लोग, तो इन जैसे जितने भी गरीब लोग हैं जिनको यहाँ पर, जिनकी रोजी रोटी ही इससे चलती है, थोड़ा बहुत बचाते हैं तो ही खा पाते हैं, नहीं तो नहीं खा पाते हैं। दिन भर में कितना किलोमीटर चलते होंगे? दिन भर में वही 100-120 किलोमीटर। 120 किलो माइलेज कितना का देता है गाड़ी? माइलेज अगर प्रेशर से भराता है तो 40 का देता है, नहीं तो 2-3 बार मतलब भराना पड़ता होगा CNG? 2 बार भरा जाता है। 2 बार भराता है तो कितना देर खड़ा रहते हैं पंप पे? हम लोग कोई लिमिट नहीं है भैया, 3 घंटा लग जाता है, 5 घंटा लग जाता है, 3-3 घंटा लाइन में लग जाता है। मतलब आपका इसी में चला जाता है? हाँ, इसी खड़ा रहा। अभी जाके देख, अभी बाटा जाके देखिए, बाटा शोरूम तक ले आपका लाइन आ गया है, इतनी लाइन से अब लाइन में लगेंगे अभी से तो हमारा 2-3-4 बज जाएगा, तो क्या कमा लेंगे हम इसमें? सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है, दिक्कत पे दिक्कत है। तो ये देख सकते हैं, इनके आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इनको परेशानी हो रही है, ये लोग
दिहाड़ी कमाते हैं और उसी से खाते हैं, इनको कोई भी उस टाइप की सुविधा नहीं मिल रही है। ऊपर से धांधली इस किस्म का हो रहा है कि जिसके वजह से सवारी भाड़ा भी कम देता है यहाँ पे। कैसे मतलब कि यहाँ 15 रुपये भाड़ा है, वहाँ का भाई लोकल भाड़ा है 8-8 रुपया, तो 5 रुपया देता है। ये बात गलत है, पैसेंजर हम भी हैं, पैसा जितना मांगा जाता है उतना दिया जाता है। यहाँ पे 15 रुपया की जगह 20 रुपये भाड़ा मांगा जाता है तो तभी पैसेंजर देता है, ऐसा बात नहीं है, गलत इल्जाम मत लगाइए। नहीं और देखिए भैया, हम जो बताइए इन लोगों के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है क्या? नहीं, गलत होता है, गलत हो रहा है। चलिए, कुछ पैसेंजर करते होंगे, कुछ पैसेंजर करते होंगे, लेकिन दो दिन पहले हम एक टेम्पो वाले बेचारा वहाँ पे आगे से टेम्पो पकड़ लिया बिना मतलब के, 800 रुपया फाइन कर दिया उसका। सोचिए कितना बिना मतलब का साइड में लगा के बेचारा गुटखा खाने गया, खाई नहीं, गुटखा तो खाते ही लोग, ऐसा नहीं कि नहीं खाते। टेम्पो लगा के ब्याज गया गुटखा लेने, खाली उसी में उसका फाइन कर दिया 800 रुपया, जो कि उसका होता ही नहीं है। अपना खाता में ले लेता है, खुद लुका के रख लेता है। उसका पुर्जा उर्जा कुछ दिया? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। ये है बिहार पुलिस, बिहार की ट्रैफिक पुलिस है, आप देखे हैं ना सामने में? बिल्कुल, मुझे जानते हैं पहले से क्या आप? नहीं, हम देखे कि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो भी हम आए हैं जान बुझ के। यहाँ किसी को पर्सनली जानते हैं? किसी को नहीं जानते। आप लोग कोई पर्सनली इनको जानते हैं? नहीं ना। ये बिहार की जो भ्रष्ट सरकार है उसके अंदर के भ्रष्ट कार्यकर्ता हैं जितने भी लोग। बोलना चाहते हैं, ये लोग पर लाठी चलाया जाता है, हम मेरे आके हम भी उधर रोज जा रहे हैं, गाड़ी पर लाठी भी चलाया जाता है, यही बात हम अपने आँख से देखे हैं, जो कि हम पैसेंजर हैं, तो कि जो हुआ मेरे साथ, हम मेरे सामने हुआ, हम बताएं। लाठी चलाया जाता है क्या? हाँ, जैसे कि सवारी कोई पैसेंजर बैठा रहा है ना, मुंह से नहीं बोला जाता, सीधा डंडा चला देते हैं। डंडा चला जी, आप बताइए, मारता है डंडा से? डंडा से ही मारता है। हाँ सही बात है, मारता भी है, मार के गाड़ी सब पचका देता है, गाड़ी पचका के थाना में गाड़ी ले जाता है। तो ये बोला, कुछ बोलते नहीं है, कुछ बोलते नहीं, डायरेक्ट डंडा बोलेंगे, मार ले नहीं, मतलब बोलते नहीं पहले कि हटाओ गाड़ी चाहे, डायरेक्ट डंडा देता है। पहले आता है ना तो पहले चुप इतना गाड़ी में बैठ जाएगा, चलो थाना ले चल रहे हैं, थाना में ले जाएगा, पूछेगा उसे कुछ नहीं, पहले थाना लेके जाएगा, थाना में बंद कर 5,000 फाइन हो गया तुम्हारा, आके दे जाओ 5,000 तक गाड़ी ले जाओ। अब क्या गरीब कमाने वाला गरीब है, 5,000 रुपये मिनटों में कहाँ से लेकर आएंगे? तो 5,000 रुपया उसको देंगे तो गाड़ी छुड़ा के ले आएंगे, तल बाल बच्चा हमारा भूखे मरेंगे तले, तो हम कैसे कमाएंगे? ये दुख है बिहार के जितने भी यहाँ पटना शहर में, राजधानी में जितने भी ऑटो चालक है, CNG ऑटो चालक, कि पहले इनका गैस महंगा हुआ उसके वजह से घोटाला हो रहा है, इनका टंकी 5 लीटर का है तो 7.5 लीटर हटा दिया जा रहा है, उसमें भी एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा है, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत गलती करने पे बात से नहीं समझा करके सीधा डंटा चला दिया जा रहा है, ये इनका दुख है। ये इस पे क्या आप कुछ सरकार को कोई संदेश देना चाहेंगे? सरकार को हम लोग को राहत दे दे, और क्या बता सकते। CNG में राहत दिया जाए और कम से कम जो पैसा भरा है उससे आप है कि चलो काम चला लेंगे, लेकिन कम से कम जो धांधली हो रहा है उसको रोक दिया जाए। जी जी हाँ। तो आपका मतलब 5 लीटर की टंकी में 7.5 लीटर तक हटा दिया जा रहा है? नहीं सर, सर मेरा 4 लीटर का टंकी है, मेरा 6 लीटर टंकी हट जाती, गैस हट जाती, 1 लीटर एक्स्ट्रा ही हटा दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तब तक कैमरामैन युवराज चौहान के साथ प्रतीक परमार की रिपोर्ट, जय हिंद।